दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस को लेकर कि आईपी एड्रेस होता क्या है, ये होता क्यों है और इसका काम क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक 21 के एक और नए एपिसोड में। वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जिस पर जाकर हम बहुत सारे घूम रहे डाटा पैक्स जो हैं वो उस एड्रेस पर आके अपना काम पूरा करते हैं। समझ लीजिए मेरे दोस्त का नाम है सुरेश, मुझे उसके घर पर जाना है और मुझे पता है उसका घर का नंबर है 140। तो ये रहा उसका आईपी एड्रेस। अब बस मेरा काम ये है, मुझे उस इलाके में जाना है, बस उसको पूछना है कि आपका घर कौन सी साइड है। उसके नेबर्स को पूछना है कि भैया 140 कहाँ है, तो वो मुझे पहुँचा देंगे 140 तक। वैसे ही इंटरनेट में काफ़ी सारे डेटा पैक्स घूम रहे होते हैं, उनको चाहिए होता है एक एड्रेस कि उन्हें वो आखिरकार लेकर कहाँ जाएगा। यानी कि अगर आप एक मैसेज भेजते हैं, वो आपका डेटा पैक, आपने किस मोबाइल पर भेजना है, किस नंबर पर भेजना है, उसका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है जिस पर वो जाके अपना काम पूरा कर लेता है। अब आप सोचेंगे कि आईपी एड्रेस स्टैटिक है या परमानेंट या फिर डायनामिक, मतलब आईपी एड्रेस हम एक ही बारी चेंज कर सकते हैं या फिर आईपी एड्रेस एक ही जैसा रहता है या फिर वो बार बार चेंज होता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आईपी एड्रेस स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है, लेकिन आपके मोबाइल्स में जो है वो आईपी एड्रेस डायनेमिक ही होता है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि आप काफ़ी सारे वेब ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स पर जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और आपका आईपी एड्रेस जो है वो अगर हर वेबसाइट पर सेम चला गया तो ऐसे में आपकी प्राइवेसी को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से जो है वो डायनेमिक आईपी एड्रेस काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। लेकिन अगर आपके घर में है एक सर्वर, उसमें स्टैटिक आईपी एड्रेस ही आपको काम में दे सकता है। मैं बताता हूँ आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस कैसे बनता है। समझ लीजिए आपके घर में लगा है राउटर, वो हो जाता है रीबूट, तो साथ ही में आपका आईपी एड्रेस भी उस टाइम चेंज हो जाता है। समझ लीजिए अब मैंने जाना है गूगल पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो उनका भी कोई आईपी एड्रेस होगा ना कि मैंने इस एड्रेस पे जाना है कि इस एड्रेस पे जाना है। मैं लिखूँगा facebook.com और वो DNS सर्वर अपना काम आगे चालू करेगा। DNS सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। यानी कि एक आईपी एड्रेस के पीछे भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो आईपी एड्रेस को सही तरीके से पहुंचाने में काम करती है। बताता हूँ कैसे। जैसे आपने गूगल पे लिखा facebook.com, वो DNS अपना काम उसी टाइम शुरू कर देगा, भैया ये facebook.com कहाँ रहता है, यानी इसका हाउस नंबर क्या है, यानी कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। वो facebook.com की सर्च को लेकर जाएगा उस एड्रेस पे और हम पहुँच जाएंगे facebook.com पर या फिर instagram.com पर। अब बजाय facebook.com लिखने के मैं ये तो नहीं लिखूंगा कि इसका एड्रेस 140 है, 192 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, तो इतने सारे नंबर्स कई बार याद नहीं रहते हैं। वहीं मैं एक दोस्त का नाम लिखूंगा सुरेश, तो मुझे फेसबुक आरामी से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका आईपी एड्रेस ढूंढने लगूंगा तो भैया सदी हो जाएगी, नाम नहीं मिलने वाला। दोस्तों इसके साथ ही एक आईपी एड्रेस के साथ एक और नई चीज़ जुड़ी है, वो है VPN। VPN क्या होता है? VPN एक ऐसी चीज़ है जो आपके आईपी एड्रेस को फटाक से चेंज कर देती है। समझ लीजिए कैसे। यानी कि मैं हूँ अभी इंडिया में और मेरा डोमेन नेटवर्क जो है वो शो करेगा कि मैं अभी स्पेन में हूँ। वो कैसे? आईपी एड्रेस और फेसबुक के बीच में समझ लीजिए एक लिंक है, उसी लिंक को मैं घुमा फिरा कर एक तार की तरह जोड़ डालकर एक स्पेन की तार पर बिछा देता हूँ। समझ लीजिए कैसे। यानी कि पहले इंडिया से जो तार है वो स्पेन तक बिछाएगी, फिर स्पेन से तार है जो वो फेसबुक तक बिछाएगी। यानी कि कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट इंडिया से फेसबुक नहीं जाएगा, पहले बीच में स्पेन आएगा और जो फेसबुक को शो होगा वो होगा स्पेन। और काफ़ी सारी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं कई बारी कंट्रीज़ में ब्लॉक कर दी जाती हैं, तो ऐसे में लोग जो हैं वो VPN का सहारा लेते हैं। VPN जो है आप इतना सिक्योर नहीं कह सकते, VPN से जो है आपकी खाली लोकेशन चेंज होगी, आपका नेटवर्क चेंज होगा, लेकिन अगर आप VPN पर जाकर कुछ गलत करते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। ये बचने का तरीका नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक काम करने में आसानी है या फिर एक जुगाड़ लगा लीजिए। तो बस फिलहाल वीडियो इतना ही, वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही में दिख रहे नए चैनल के आइकन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।